पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। क्रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बीजू मेनन की फैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कड़ा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कड़ा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कड़ा इनवारे सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवंत करने के लिए नर्मदा ज्योमती जान समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिल विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजजहाज सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अपूर्णी सासी किशोर सत्य और जोड़ी कुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े हैं जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को ज्योमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लोभ मिलता है जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की तरह किया गया इस पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं जबकि अर्सिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समृद्ध कर दे। कड़ा इनवारी रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। हम कॉपीराइट धारकों की दृष्टि सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और कड़ा इनवारे के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारे एक लिटिल ऑफ बीजू की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का सिंस है प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को।
27 अप्रैल की आईएफबी में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन, हकीम सज, शाहजहा सिंह चीकी और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में हैं। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बेजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है, जिसका निर्देशन मेपा डीएम की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन, हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अश्विन आर्य ने दिया है। समीर फिल्म के स्पारक है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेका में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुडन में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। कार्डा इनोवारी 224 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसार के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कार इनवारे अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही, निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कडा इनवारे 224 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कडा इनवारे मूवी 224 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिका में, विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है, इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए निर्माता जोमन टी जॉन, समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा कृष्ण चीकी, रेंजी पनिकर, कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 22 को मिंट मलयालम। काडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिकाओं में, विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है, इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए निर्माता जोमन टी जॉन, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा सिंह जी के रेंजी पनेकर, कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद, अनुपर्णी, शशि किशोर, सत्य और जोड़ी पुंजल जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी है जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की क्रेन में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है जबकि अश्विन आर्य का संगीत एक गुजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के
लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवाइट 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज। अस्वीकरण के पोस्टर, बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान किए केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बीजू मेनन की फ़ैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कड़ा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कड़ा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कड़ा इनवारे सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवंत करने के लिए नर्मदा ज्योमती जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिल विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोट्टायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोट्टायम रमेश कृष्ण प्रसाद अपूर्णी सासी किशोर सत्य और जोड़ी कुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को ज्योमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की क्रेंडर में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया इस्पादन एक सहज कथा प्रभाव सुनिश्चित करते हैं जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूड को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारे की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर दे। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और कड़ा इनवारे के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारे एक लिटिल ऑफ बीजू की कड़ा इनवारे
विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का संसेप प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम सर्ज शाहजहा सिंह चीकी और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में हैं। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बीजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी जिसका निर्देशन मेपा डीएन की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का संस्करण इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अश्विन आर्य ने दिया। समीर फिल्म के स्पार्क है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेकर में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुड़न में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। कार्डा इनोवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रिक्ट की अनुसर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कारा इनोवारे अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कडा इनवारे 24 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कडा इनवारे मूवी 24 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमन टी जन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी रेंजी पनिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। काडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जुमन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी के रेंजी पनेकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्णि शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की गेंद में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत
एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म की भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवार रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवार 20 सितंबर 2022 फुर्गु सिनेमाघर में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज। अस्वीकरण की पोस्टर, बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग। दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान किए केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग। दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीजू मेनन की फ़ैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कड़ा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कड़ा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कड़ा इनवारे सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवंत करने के लिए नर्मदा ज्योमती जॉन, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिल विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, सजाज सिंह जी की रेंजी, मणिकर कुटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा सिंह जी की रेंजी, मणिकर कोटायम, रमेश कृष्ण प्रसाद, अपूर्णी शास्त्री, किशोर सत्य और जोड़ी पुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े हैं जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को ज्योमन टीजन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लोभ मिलता है जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की तरह किया गया इस्पादन एक सहज कथा प्रभाव सुनिश्चित करते हैं जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारे की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग। दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर दिए। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और कड़ा इनवारे के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था।
कड इनवारे एक लिटल ऑफ बीजू किम कड इनवारे विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का सिंसेट प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम सर्ज शाहजहा सिंह चीकी और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में हैं। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बीजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है जिसका निर्देशन मेपा डीएन की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाजन स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अश्विन आर्य ने दिया है। समीर फिल्म के इंस्पायर है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेकर में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुड़न में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करें जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। कार्ड इनवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसार के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कर इनवारे अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड इनवारे 24 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कड इनवारे मूवी 24 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमटी जन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी रेंजी पनिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन्स समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी के रेंजी पनेकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्णी शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की गेंद में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह
किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है, जबकि अर्सिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारी 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज अस्वीकरण की पोस्टर बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए। हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हैं। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान किए केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीजु मेनन की फ़ैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कड़ा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कड़ा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कड़ा इनवारे सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवंत करने के लिए नर्मदा ज्योमती जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे फिल्म में निखिल विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कुटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे फिल्म निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कुटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अपूर्णी सासी किशोर सत्या और जोड़ी कुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को ज्योमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लोभ मिलता है जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं जबकि अर्सिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारे की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर दें। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं
और कड़ा इनवारी के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारी एक लिटल ऑफ बीजू की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का सीन से प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम सज शाहजहा सिंची और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में है। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बीजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी जिसका निर्देशन मेपा डीएन की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु की सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अश्विन आर्य ने दिया। समीर फिल्म के स्पार्क है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेकर में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुड़न में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। कार्डा इनोवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कारा इनवारे अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारे 24 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कड़ा इनवारे मूवी 24 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी रेंजी पनिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी के रेंजी पनेकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्ण शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी
जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है, जो कहानी की गेंद में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है, जबकि अरसिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवार 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज। अस्वीकरण के पोस्टर बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हैं। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीजू मेनन की फ़ैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कड़ा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कड़ा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कड़ा इनवारे सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवंत करने के लिए नर्मदा ज्योमन टी जान समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिल विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजाज सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमन टी जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अपूर्णी सासी किशोर सत्य और जोड़ी पुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं जबकि अरसिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारे की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे?
पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। हम कॉपीराइट धारकों की दृश्य सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और कड़ा अनिवार्य के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा अनिवार्य एक लिटल ऑफ बीजू की कड़ा अनिवार्य विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का संशय प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहाँ सिंह चीकी और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में हैं। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बीजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है जिसका निर्देशन मेपा डीएन की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का संस्करण इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहाँ कृष्ण चीकी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अश्विन आर्य ने दिया है। समीर फिल्म के स्पारक है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेकर में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुड़न में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। कार्डा इनोवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसार के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कारा इनवारे अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारे 24 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कड़ा इनवारे मूवी 24 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमन टी जन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहाँ कृष्ण चीकी रेंजी पनिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है।
इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन्स, तमीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्में निखिला वेमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, सरजहा सिंह जी के रेंजी पनेकर को टाइम, रमेश कृष्ण प्रसाद, अनुपर्णी, शशि किशोर, सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी, जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है, जो कहानी की क्रेन में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है, जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज। अस्वीकरण की पोस्टर, बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग। दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हैं। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान किए केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट, बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग। दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बीजू मेनन की फ़ैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कड़ा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कड़ा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों के नकारात्मक और कड़ा इनवारे सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन्स, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्में निखिल विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, सरजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोट्टायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन्स, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्में निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, सरजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोट्टायम, रमेश कृष्ण प्रसाद, अपूर्णी, शशि किशोर, सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े हैं जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जॉन्स की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की क्रेंडर में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के
लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग, दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। हम कॉपीराइट धारकों की दृष्टि सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और काड़ा इनवारे के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारे एक लिटल ऑफ बीजू की काड़ा इनवारे विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का संशय प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन हकीम, शाहजहा सिंचिकी और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में हैं। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बीजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है, जिसका निर्देशन मेपा डीएम की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन हकीम, शाहजहा कृष्ण सिंह और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अश्विन आर्य ने दिया। समीर फिल्म के स्पार्क है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेका में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुडन में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। काड़ा इनवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसार के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारे अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही, निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारे 24 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। काड़ा इनवारे मूवी 24 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिका में, विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए निर्माता जोमन टी जॉन, समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा कृष्ण चिकी, रेंजी पनिकर, कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काड़ा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम
कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मेथी देवी का मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जुम्मन टी जॉन्स तमीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला वेमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी के रेंजी पनीकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्णी शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजल जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी है जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की क्रेन में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज अस्वीकरण की पोस्टर बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान किए केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीजू मेनन की फैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कड़ा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कड़ा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कड़ा इनवारे सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिल विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जमन टी जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अपूर्णी शासी किशोर सत्य और जोड़ी पुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की क्रेंडर में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है।
समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया इस पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, जबकि अरसिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग, दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर दें। हम कॉपीराइट धारकों की दृष्टि सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और काड़ा इनवारी के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारी एक लिटिल ऑफ बीजू की काड़ा इनवारी विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का संशय प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम सज शाहजहा सिंचिकी और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में हैं। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बीजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है जिसका निर्देशन मेपा डीएन की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का संस्करण इनवरे रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अरसिन आर्यन ने दिया है। समीर फिल्म के स्पारक है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेकर में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुड़न में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन मारा डोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। काड़ा इनवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रिक्ट की अनुसर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारी अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने हंडे से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारी 24 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। काड़ा इनवारी मूवी 24 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिका में। विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा कृष्ण चीकी रेंजी पनिकर कोटायम
और समीक्षकों के लिए ही। काडा इनवारे 20 सितंबर 22 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें विजू मेनन और मेथी देवी का मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जुम्मन टी जॉन्स तमीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्में निखिला वेमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी के रेंजी पनीकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्ण शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की गेंद में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है जबकि अरसिन आर्यन का संगीत एक गुजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज अस्वीकरण की पोस्टर बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप विजू मेनन की फ़ैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कडा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। काडा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कडा इनवारे सारांश की कडा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें विजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्में निखिल विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कडा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें विजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अपूर्णी शास्त्री किशोर सत्य और जोड़ी पुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जॉन की विशेष सिनेमेटोग्राफी शो
लव मिलता है, जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मुहम्मद की तरह किया गया इस्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूड को समृद्ध कर दे। कड़ा इनवारी रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग, दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर दें। हम कॉपीराइट धारकों की दृष्टि सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और काड़ा इनवारी के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारी एक लिटल ऑफ बीजू की काड़ा इनवारी विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का सिंस है, प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन हकीम, शाहजहा सिंचिकी और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में हैं। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बीजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है, जिसका निर्देशन मेपा डीएम की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन हकीम, शाहजहा कृष्ण चीकी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मुहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अर्शिन आर्यन ने दिया है। समीर फिल्म के इंस्पायर है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेका में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुडन में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। काड़ा इनवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारी अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही, निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारी 24 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। काड़ा इनवारी मूवी 24 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देविका मुख्य भूमिका में
विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा कृष्ण जी की रेंजी पनीकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मेथी देवी का मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जुम्मन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी के रेंजी पनीकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्णी शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की गेंद में भावनात्मक गहराई और जटिल परिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज अस्वीकरण की पोस्टर बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान किए केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीजू मेनन की फैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कडा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। काडा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कडा इनवारे सारांश की कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिल विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है।
इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जयमती, जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्मी निखिला विमल, अनुमोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा सिंजी की, रेंजी मणिकर कोटायम, रमेश कृष्ण प्रसाद, अपूर्णी सासी, किशोर सत्य और जोड़ी कुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े, जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लोभ मिलता है, जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की तरह किया गया इस्पादन एक सहज कथा प्रभाव सुनिश्चित करते हैं, जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है, जो फिल्म के भावनात्मक मूड को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट, बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग, दिशा निर्देशों के तौर स्तंभरी फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर दें। हम कॉपीराइट धारकों की दृश्य सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और काड़ा इनवारी के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारी एक लिटल ऑफ बीजू की काड़ा इनवारी विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का सीन्स है। प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन हकीम, शाहजहा सिंची की और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में है। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बीजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है, जिसका निर्देशन मेपा डीएन की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन हकीम, शाहजहा कृष्ण सीखी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अर्शिन आर्यन ने दिया है। समीर फिल्म के इंस्पायरर है, जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेका में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुड़न में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे, जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। काड़ा इनवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रिक्ट की अनुसर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। काड़ा इनवारी अनोखी रोमांटिक फिल्म है, जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है, जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने हंडे से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही, निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था।
कडा इनवारे 22/4 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कडा इनवारे मूवी 22/4 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन, जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन, समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा कृष्ण चिकी, रेंजी पनीकर, कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन, जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जुम्मन टी जॉन्स, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा सिंह जी के, रेंजी पनीकर, कोटायम, रमेश कृष्ण प्रसाद, अनुपर्णी, शशि किशोर, सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी, जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है, जो कहानी की गेंद में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है, जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है, जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज। अस्वीकरण की पोस्टर, बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग। दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते। हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट, बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग। दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बीजू मेनन की फ़ैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कडा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है, जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कडा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कडा इनवारे सारांश की कडा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन, जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जॉन, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिल विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा सिंह जी की, रेंजी मणिकर, कोटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कडा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक
दिल को छू लेने वाली परिवारिक ड्रामा है जिसमें बेजू बिनर और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जयमती जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे फिल्मी निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी की रेंजी मणिकर कुटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अपूर्णी सासी किशोर सत्य और जोड़ी पुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लोभ मिलता है जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया इस्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं जबकि अर्सिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूड को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। हम कॉपीराइट धारकों की दृश्य सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और कड़ा इनवारी के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारी एक लिटल ऑफ बीजू की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का सिंस है प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहा सिंह जी की और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में है। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बेजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है जिसका निर्देशन मेपा डीएन की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहा सिंह जी की और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की द्वारा निर्मित इस फिल्म का संगीत अर्सिन आर्य ने दिया है। समीर फिल्म के इंस्पायरर है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेकर में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुड़न में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। कार्डा इनोवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसार के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कारा इनवारे अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक ए पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने हंड्रेड से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्त चित्र के साथ
एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कडा इनवारे 22/4 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कडा इनवारे मूवी 22/4 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन की द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा कृष्ण चिकी रेंजी पनीकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। काडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जुम्मन टी जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम सजहा सिंह जी के रेंजी पनेकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्णि शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की क्रेन में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज अस्वीकरण की पोस्टर बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हैं। हम कॉपीराइट धारकों की द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीजू मेनन की फ़ैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कडा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। काडा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कडा इनवारे सारांश की कडा इनवारे विष्णु मोहन की द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जान समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिल विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम
सजजा सिंह जी की रेंजी मणिकर कुटायम और समीचकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनुवारी विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बेजू मीनर और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए निर्माता जमन टी जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म निखिला विमल अनुमोहन अनुश्री हकीम सजा सिंह जी की रेंजी मणिकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अपूर्णी सासी किशोर सत्य और जोड़ी कुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े हैं जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लोभ मिलता है जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया इस पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं जबकि अर्सिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूड को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर रहे हम कॉपीराइट धारकों की दृष्टि सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और कड़ा इनवारी के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारी एक लिटिल ऑफ बीजू की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का संशय प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहा सिंह जी की और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में है। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बेजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है जिसका निर्देशन मेपा डीएम की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका निखिला विमल अनु मोहन हकीम शाहजहा कृष्ण जी की और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अश्विन आर्य ने दिया है। समीर फिल्म के इंस्पायर है जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेका में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुडन में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन माराडोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था कार्डा इनोवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसार के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कारा इनवारे अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म
एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कडा इनवारे 2024 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कडा इनवारे मूवी 2024 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बेजो मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा कृष्ण चिकी रेंजी पनीकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बेजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जोमन टी जॉन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी के रेंजी पनीकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्णी शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजल जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की क्रेन में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक गूंजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज अस्वीकरण की पोस्टर बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हम कॉपीराइट धारकों की तरह सार्वजनिक रूप से प्रदान किए केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीजू मेनन की फैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कडा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कडा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और कडा इनवारे सारांश की कडा इनवारे विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बेजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जॉन समीर मोहम्मद और
कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिल, विमल, अनु, मोहन, अनुश्री, हकीम, सजाद सिंह जी की रेंजी, मणिकर, कुटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की कड़ा इनुवारी विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें बेजू विनर और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन, जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए निर्माता यमन टी, जन समीर, मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिला, विमल, अनु, मोहन, अनुश्री, हकीम, शाहजहा सिंह जी की रेंजी, मणिकर, कुटायम, रमेश, कृष्णा प्रसाद, अपूर्णी, सासी, किशोर सत्य और जोड़ी कुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े, जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जुमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लोभ मिलता है, जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया इस्पादन एक सहज कथा प्रभाव सुनिश्चित करते हैं, जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है, जो फिल्म के भावनात्मक मूड को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट, बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग, दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर दें। हम कॉपीराइट धारकों की सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और कड़ा इनवारी के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारी एक लिटिल ऑफ बीजू की कड़ा इनवारी विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का संशय प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु फिल्म में मैथिल देविका, निखिला, विमल, अनु, मोहन, हकीम, शाहजहा सिंह जी की और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में है। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बेजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है, जिसका निर्देशन मेपा डीएन की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का संस्करण इनवरे रखा गया। फिल्म की विष्णु की तरह लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका, निखिला, विमल, अनु, मोहन, हकीम, शाहजहा कृष्ण जी की और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अर्शिन आर्यन ने दिया है। समीर फिल्म के इंस्पायरर है, जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेकर में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुड़न में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे, जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन मारा डोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। कार्डा इनवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रिक्ट की अनुसर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारी अनोखी रोमांटिक फिल्म है, जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है, जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की
मिथिल के लिए ही, निखिल विमल के लिए ही, एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। सेट ऑल फुल्स पर एक वृत्त चित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद जिसे सोलम करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कडा इनवारे 2024 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कडा इनवारे मूवी 2024 के लिए ही सारांश की कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा कृष्ण चिकी रेंजी पनीकर कोटायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जुमन टी जन समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म निखिला विमल अनु मोहन अनुश्री हकीम शाहजहा सिंह जी के रेंजी पनीकर कोटायम रमेश कृष्ण प्रसाद अनुपर्णी शशि किशोर सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किया। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है जो कहानी की गेंद में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की द्वारा किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है जबकि अरसिन आर्यन का संगीत एक गुजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑप्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे, कृपया अपना योगदान पर भेज अस्वीकरण के पोस्टर बैंक ड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंध फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र करते हम कॉपीराइट धारकों की द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक पोस्ट बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसी फिल्मों के लिए ही समीक्षकों की केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए उचित उपयोग दिशा निर्देशों के तहत संबंधित फिल्मों और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बीजू मेनन की फैन हो और बड़ा इनवारे मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कडा इनवारे एक अनोखी रोमांटिक फिल्म है जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती है तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। काडा इनवारे मूवी के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और
कड़ा इनवारे सारांश की। कड़ा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें बेजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन, जिन्होंने पटकथा भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवंत करने के लिए नर्मदा ज्योमती जॉन, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिल विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, सजाज सिंह जी की रेंजी, मणिकर कुटायम और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की। कड़ा इनवारी विष्णु मोहन के द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें बेजू मेनन और मिथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन, जिन्होंने पटकथा ने भी लिखी है। इस मर्मिक कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करे। फिल्म में निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, सजा सिंह जी की रेंजी, मणिकर कोटायम, रमेश कृष्ण प्रसाद, अपूर्णी शास्त्री, किशोर सत्य और जोड़ी पुंचर जैसे कि मजबूत कलाकारों को टुकड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को ज्योमन टी जन की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लोभ मिलता है, जो कहानी की केंद्र में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ती है। समीर मोहम्मद की तरह किया गया इस्पादन एक सहज कथा प्रभाव सुनिश्चित करते हैं, जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक घुसती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है, जो फिल्म के भावनात्मक मूड को समृद्ध करते हैं। कड़ा इनवारी रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने की वादा करता है। नमस्कार, क्या आप फिल्म बड़ा इनवारी की कहानी या कलाकारों और क्रू के बारे में हमें अपडेट देना चाहेंगे? पोस्ट, बैकड्रॉप और प्रोफाइल चित्र जैसे सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग, दिशा निर्देशों के तौर सामग्री फिल्म और टीवी शो का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सोशल मीडिया विशेष रूप से ट्विटर से जानकारी एकत्र कर दें। हम कॉपीराइट धारकों की दृश्य सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई केवल आधिकारिक सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और कड़ा इनवारी के बारे में कुछ समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारी एक लिटल ऑफ बीजू की। कड़ा इनवारी विष्णु मोहन के साथ बीजू मेनन की अगली फिल्म का सिंस है, प्रकाशित 24 सितंबर 2023 को 27 अप्रैल की आयु। फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन, हकीम, शाहजहा सिंह की और रेंजी पनिकर मुख्य भूमिका में हैं। हमने पहले बताया था कि अभिनेता बेजू मेनन की अगली फिल्म का प्रेम कहानी है, जिसका निर्देशन मेपा डीएम की निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे। आज निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का सेंस कदर इनवर रखा गया फिल्म की विष्णु की तरह, लेकिन इस फिल्म में मैथिल देविका, निखिला विमल, अनु मोहन, हकीम, शाहजहा कृष्ण चीकी और रेंजी पनिकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। प्लाज ने स्टूडियोज की बैनर तले विष्णु के सहयोग से जोमन टी जॉन और समीर मोहम्मद की तरह निर्मित इस फिल्म का संगीत अश्विन आर्य ने दिया है। समीर फिल्म के इंस्पायर है, जबकि जोमन सिनेमेटोग्राफर है। बीजू मैंने जिन्हें आखिरी बार थेकर में देखा गया था कि कानूनी थ्रिलर गरुडन में सुरेश गोपी के साथ नजर आएंगे। अनुभवी अभिनेता जीत जाए की आगामी फिल्म पर काम करे, जिसमें आसिफ अली एक महत्वपूर्ण भूमिका में और नंदना संभवन जिसका निर्देशन मारा डोना प्रसिद्धि की विष्णु नारायण की तरह किया जा रहा है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक की द ग्रेट ऑफ समीक्षकों के लिए ही किया गया था। कार्डा इनवारी 24 और सिस्टम हेल्प डिस्ट्रेट की अनुसार के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। कड़ा इनवारी अनोखी रोमांटिक फिल्म है, जो प्रेम के विषय को एक अपरागत दृष्टिकोण से दर्शाती तथा रिश्तों और भावनाओं पर एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तुत करती है। बीजू मेनन
एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है जो मलयालम फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता जिन्होंने 100 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से ज़्यादातर सहायक और खलनायक भूमिकाओं में हैं। मनोज की जैन की मिथिल के लिए ही, निखिल विमल के लिए ही एक इंडियन फिल्म एक्टर अभिनेत्री निखिला विमल मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। सेट ऑल फोर्स पर एक वृत्तचित्र के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद, जिसे 16 करने के लिए ही नकारात्मक किया गया था। कडा इनवारे 22/4 के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और किया गया था। कडा इनवारे मूवी 22/4 के लिए ही सारांश की, कडा इनवारे विष्णु मोहन की द्वारा निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें बीजू मेनन और मैथिल देवी का मुख्य भूमिका में विष्णु मोहन, जिन्होंने पटकथा भी लिखी है, इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा ज्योमती जन, समीर मोहम्मद और कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा की रेंजी पनीकर को टायम और समीक्षकों के लिए ही काडा इनवारे 20 सितंबर 2022 को मिंट मलयालम। कडा इनवारे विष्णु मोहन की तरह निर्देशित एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें बीजू मेनन और मेथी देवी का मुख्य भूमिकाओं में विष्णु मोहन, जिन्होंने पटकथा भी लिखी है, इस मर्मी कहानी को जीवित करने के लिए नर्मदा जुम्मन टी जन, समीर मोहम्मद और कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर काम करें। फिल्म में निखिला विमल, अनु मोहन, अनुश्री हकीम, शाहजहा सिंह जी के रेंजी पनीकर कोटायम, रमेश कृष्ण प्रसाद, अनुपर्णी, शशि किशोर, सत्य और जोड़ी पुंजर जैसे कि मजबूत कलाकारों की टुकड़ी है, जिनमें से प्रत्येक ने दमदार अभिनय किए। दृश्यात्मक रूप से फिल्म को जोमन टी जान की विशेष सिनेमेटोग्राफी से लव मिलता है, जो कहानी की क्रेन में भावनात्मक गहराई और जटिल पारिवारिक गतिशीलता को पकड़ दिए। समीर मोहम्मद की तरह किया गया निष्पादन एक सहज कथा प्रवाह सुनिश्चित करता है, जबकि अर्शिन आर्यन का संगीत एक गुजती हुई पृष्ठभूमि जोड़ता है, जो फिल्म के भावनात्मक मूल को समुद्र करते हैं। कड़ा इनवारे रिश्तों, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन की एक गहन ऑक्शन खोज होने का वादा करता है। रिलीज की तारीख कड़ा इनवारे 20 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।